हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल योगीराज योगी ऑफिशियल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे पीरियोडिक असेसमेंट टेस्ट जो फेब्रुआरी मंथ की थी, वो उसका जो क्वेश्चन पेपर है आ गया है। स्टैंडर्ड 8 टाइम 1 आवर हिंदी सब्जेक्ट दिया गया है, मार्च 2020, मार्क्स 25। तो चलिए क्वेश्चन पेपर हम देखते हैं, समझते हैं, जिसमें प्रश्न 1 हम देखते हैं। क्वेश्चन 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 मार्क्स है इसके, सभी क्वेश्चन के 1 मार्क रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, गुरुजी को लिखे पत्र में समाप्ति पर क्या लिखा जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, डायरी से हम क्या जान सकते हैं। थर्ड, विद्याधन कैसे प्राप्त होता है। फोर्थ क्वेश्चन, समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन, बाबा भारती की जगह आप होते तो क्या करते। तो इस तरह 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 मार्क्स हैं। तो आपको जो परिच्छेद दिया गया है उसको हम पहले पढ़ते हैं, उसके बाद जो 5 क्वेश्चन है उसको आंसर आपको देने होंगे। तो देखते हैं हम, पशु पक्षी जहाँ जन्म लेते हैं उस देश को प्रेम करते हैं। जंगल में पैदा हुए किसी जानवर को भी आप पिंजरे में बंद कर सकते हैं, उसे लाख आराम पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं, पर वह सुखी नहीं हो सकता। उसे तो जंगल ही प्यारा लगता है और पंछी हो तो आकाश में उड़ना पसंद करता है। पिंजरे में बंद करने से कदापि सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका देश तो खुला आसमान, पेड़ों की शाखा में बनाया गया नीड़ है। वहाँ वह धूप, वर्षा और ठंड की कठिनाइयाँ सहकर भी सुखी रह सकता है। तो क्वेश्चन हम फ्रेंड्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पंछी को क्या पसंद नहीं है। सेकंड, पंछी का घर के लिए कौन सा शब्द है। थर्ड, पशु को क्या प्यारा लगता है। फोर्थ, विलोम शब्द की सही जोड़ पहचानिए, जिसमें फर्स्ट ए हम देखते हैं पसंद और अपसंद, बी धूप या धुआं, सी देश या भारत और डी बंद या खुला। क्वेश्चन 5, प्रस्तुत परिच्छेद का उचित शीर्षक दीजिए। क्वेश्चन 3 हम देखते हैं फ्रेंड्स, दिए गए शब्दों में उचित उपसर्ग एवं प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। 5 मार्क्स हैं, जिसमें ब्रैकेट्स में आपको आंसर दिए गए हैं प्रति, नीरु, इक और त्व, जिसमें फर्स्ट हम देखते हैं ब्लैंक प्लस दिन इक्वल टू, तो इस तरह आपको नया शब्द है वो बनाना है। सेकेंड, ब्लैंक प्लस आधार इक्वल। थर्ड, समाज प्लस ब्लैंक इक्वल ब्लैंक। फोर्थ, मनुष्य प्लस ब्लैंक इक्वल ब्लैंक। 5, नगर प्लस इक्वल प्लस ब्लैंक इक्वल ब्लैंक। तो इस तरह आपको जो प्लस दिया गया है उसमें एक शब्द जोड़ना है, जो शब्द जुड़ने से नया शब्द कौन सा बनता है वो आपको बताना होगा, ठीक है। क्वेश्चन 4, दिए गए शब्द मिले ऐसी पहेलियों का निर्माण कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पहेलियाँ बनानी है, ठीक है। जो आपको आंसर दिए हैं फर्स्ट पतंग और सेकंड पाठशाला, तो इस तरह आपको पहेलियाँ लिखनी है। 5 मार्क्स है, सभी के 2.5 मार्क रहेंगे। क्वेश्चन 5, वर्तमान समस्या कोविड-19 के बारे में अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो आपका फ्रेंड है उसको आपको पत्र लिखना है, लेटर लिखना है, जो हाल ही में कोविड-19 की जो महामारी हुई है उसके बारे में, ठीक है। 5 मार्क्स है, इसमें आपको 10 से 12 जो सेंटेंस है वो लिखने पड़ेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, तो इतना रखते हैं। आई होप कि हमने जो इन्फॉर्मेशन दी है आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई क्वेरी है, डाउट है तो कमेंट करना, हम आपके क्वेश्चन के आंसर देंगे। इसी तरह स्टैंडर्ड 3 से लेकर 12 तक सभी सब्जेक्ट के जो यूनिट टेस्ट है उसके पेपर, उसका सॉल्यूशन हम स्टेप बाय स्टेप हमारे चैनल पर लाते हैं। इस जो पेपर है उसका भी सॉल्यूशन हम स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना के लाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और आप सभी फ्रेंड्स के जो ग्रुप है उसमें ये वीडियो की जो लिंक है वो सभी स्टूडेंट के उसके पास ये पेपर है वो पहुंच जाए। अच्छा फ्रेंड्स, तो इतना रखते हैं। आपका और आपके परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।